इंडिया जो स्पेस सुप्रीमसी के लिए जा रहा है, इंडिया फार्मा इंडस्ट्री, इंडिया स्टील इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, वो इन चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि उनका जीडीपी कितना बड़ा है, उनके रिजर्व्स कितने बड़े हैं। मैं इंडिया के अंदर मौजूद था तो गुजरात के अंदर उन्होंने सेमी कंडक्टर ताइवान की मदद से $10 बिलियन का प्रोजेक्ट वहां पे लगाया है। खूबसूरती उसकी ये होगी कि 100 डे के अंदर वो ऑपरेशनल हो जाए। अगर पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, ट्रेड खुलता है, तो हमारी फूड इन्फ्लेशन तो उसी दिन 24 घंटे में 40% कम हो जाएगी। मुझे किसी जहाज में तो मुझे किसी ने कहा कि यात्रा मंगलमय हो, जो मेरे लिए हिंदी का लफ्ज था, तो मैंने जसदीप से पूछा इसका मतलब क्या, तो उन्होंने कहा कि आपका सफर जो है अब खैरियत से गुजरे आपका, तो दुआ किसी ने, मैं अब शाक मेरे लिए वो, मैं समझता हूँ कि तो उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। गोल्डमैन सैक्स और मोर्गन स्टैनली, इन दोनों ने बोला कि अगले पूरे डिकेड तक जितना चाइना पैसा जा रहा था उसमें से ज्यादातर पैसा इंडिया की ओर डाइवर्ट होगा। चाइना से जो शिप आ रहा था मुंबई में पकड़ लिया उन्होंने कि भाईजान ये क्या इसमें लेके जा रहे हैं, थोड़ा दिखा जाए। द जाइंट इंडिया, द इंडिया द इकोनॉमिक पावर, इंडिया दैट इज लैंडेड ऑन द मून। और मैं पहले तो जबानी और अपने रिसर्च और किताबों के हिसाब से कहता था कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। अब मैं ये कहूंगा कि मैं पहले जब भी अमेरिका वापस आया तो मैं हमेशा आके अमेरिका को बहुत अप्रिशिएट करता था। इस दफा जब वापस आया हूं तो मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊंगा, मैं बड़ा मायूस हुआ हूं अमेरिका को देख के आके। और मैं आज मेरा ये पहला दिन है अमेरिका से इस ट्रिप के बाद, और मैं पहले तो जबानी और अपने रिसर्च और किताबों के हिसाब से कहता था कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। अब मैं ये कह सकता हूं कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। आज मैं खुद अपनी आंखों से सारा कुछ देख गया। उसकी वजह क्या होती, फंडामेंटल रीजन आपको बताना चाहूंगा आज। उसकी फंडामेंटल रीजन ये होती कि कौमें, जब कौमों के अंदर एपेटाइट हो, कौमों की ख्वाहिश हो कि हमने तरक्की करनी है, जब नेशनलिज्म उनके अंदर आ जाए तो फिर तरक्की होती है। अब वो मुझे वेस्ट जो है उसमें वो नेशनलिज्म नजर नहीं है। अब ये कहते हैं हम वर्क फ्रॉम होम, अब यूरोप के अंदर 3 दिन का हफ्ता है, कहते हैं 3 या 4 दिन काम करेंगे बाकी छुट्टी करेंगे, तो इससे तरक्की तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं समझता हूं जो मैं बता नहीं सकता कि जब हम वहां से निकल रहे थे एयरपोर्ट से तो मुझे किसी जब जहाज में तो मुझे किसी ने कहा कि यात्रा मंगलमय हो, जो मेरे लिए हिंदी का लफ्ज था, तो मैंने जसदीप से पूछा इसका मतलब क्या, तो उन्होंने कहा कि आपका सफर जो है अब खैरियत से गुजरे आपका, तो दुआ किसी ने, मैं अब शाक मेरे लिए वो, मैं समझता हूँ कि तो उन्होंने मेरा दिल जीत लिया कि यात्रा मंगल में हो। बहुत खूबसूरत लफ्ज किसी ने मुझे जाती दफा कहा, ये तोहफा दिया उन्होंने मुझे निकलते हुए। इस वक्त आप प्रैक्टिकली वॉशिंगटन डीसी देखें तो वॉशिंगटन डीसी इज रन बाई इंडियन टेक्नोक्रेट्स। मैं उनको डायस्पोरा, मैंने डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, वो डायस्पोरा नहीं है, दे आर टेक्नोक्रेट्स। तो और दूसरा, बल्कि मैं उसके साथ आज आपको यह भी बताना चाहूंगा, भारत के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 2 कंट्रीज के दौरे पर जा रहे हैं, जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया, जापान में। एक तो 1 लाख इंडियन इजराइल काम करने जा रहे हैं, दूसरा जापान में भी उनको बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर की जरूरत है, वो भी जाहिर है इंडियन जाएंगे वहां पर, और फिर वो वर्कर नहीं जाएंगे, टेक्नोक्रेट बन के जाएंगे और वो जाके वहां पे अपने भारत को प्रमोट करेंगे। इस तरीके से कौमें तरक्की करती हैं। अब आगे उससे आगे चलते हैं, बल्कि मैं एक और जो आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा था कि आप IMF से कर्जा ले रहे हैं। देखिए सर, प्राइम मिनिस्टर भी तो आ गए हमारे यहाँ नए, और मोदी जी ने मुबारकबाद भी दे दी है। मुबारकबाद ही दी ना, क्या करना, क्या जरूरत अभी, मुबारकबाद भी दी है लेकिन शिप भी पकड़ लिया उन्होंने, चाइना से जो शिप आ रहा था मुंबई में पकड़ लिया उन्होंने कि भाईजान ये क्या इसमें लेके जा रहे हैं, थोड़ा दिखा जाए। लेकिन ये देखे ना, आप IMF से लेके फ्लैट लेना चाहते हैं लंदन में और टोरंटो में, और उन्होंने क्या बनाया ये भी बताना चाहता हूं। आज कलकत्ता में मोदी जी ने इफ्तिताह किया है अंडरग्राउंड मेट्रो का कलकत्ता के अंदर, बिल्कुल उसकी खास चीजें कुछ आपके कौम को बताना चाहूंगा, जो कि मुझे गालियां सारा सुबह शाम देते हैं, कभी कहते हैं राह का एजेंट है, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये खबरें हैं, ये खबरें गूगल करके देख लो, मैं खुद नहीं बना रहा हूं भाई। आप IMF से कर्जा लेना चाह रहे हैं, आप जिहाद करना चाह रहे हैं जाके गाजा के अंदर, TTP को गले नहीं पड़ेंगे आप, वो अंदर घुस के मार रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाएंगे आप, गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हैं। जरा इस खबर को जरा आप खुद देख लें,
4.8 किलोमीटर दरिया के नीचे से उन्होंने कलकत्ता और हावड़ा एक जगह है जो कलकत्ता के साथ इंडस्ट्रियल जगह है, उन्होंने उसको जोड़ा है दरिया के नीचे से क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। 4.8 किलोमीटर की टनल 9 किलोमीटर दरिया के नीचे से जाके बनाई है और बनाई सिर्फ 66 दिनों में। कमाल ये 66 दिनों में बनाई। अब दूसरी सुन ले बात, मैं इंडिया के अंदर मौजूद था तो गुजरात के अंदर उन्होंने सेमी कंडक्टर ताइवान की मदद से $10 बिलियन का प्रोजेक्ट वहां पे लगाया है। खूबसूरती उसकी ये होगी कि 100 डे के अंदर वो ऑपरेशनल हो जाएगा, 100 डे के अंदर। तो आरजू मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूं, सन विल बी राइजिंग फ्रॉम भारत। मैं इसका भी कह रहा हूं, इसका पहले मैं चाइना का भी कई दफा साथ शामिल करता था लेकिन इस वक्त उनकी इकॉनमी बहुत स्लगेश है, हालात उनके खराब हैं, कोविड के बाद उनके हालात ठीक नहीं है। लेकिन आपको मैंने जिस तरह पहले बताया था कि ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, IMF ने कहा है कि तीसरे क्वार्टर में भारत की जो इकॉनमी है उसने 8.4% ग्रोथ की है और उसके बाद जापान की 0.9% पे है, अमेरिका की 2.1% पे है, फ्रांस की 1% पे है, यूके की 0.06% पे और जर्मनी नेगेटिव है, नेगेटिव 0.05% पे है। तो आप खुद आज अंदाजा लगाएं कि सन कहां से राइज कर रहा है, ये खुद सोचना होगा। और दूसरा आज आगे चलते हैं, आपने असेंबली की बात की है कि नए वजीर आजम आ गए हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले।